ओबरा परियोजना के अधीन संचालित ओबरा इंटर कॉलेज को JIC बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया है। कॉलेज के निजीकरण का विरोध को किसी भी रूप में सफल न होने देने की बात कही है। ओबरा इंटर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले निकले जुलूस में शामिल सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। जुलूस गांधी मैदान से कॉन्वेंट तरह होते हुए पूरे नगर भ्रमण करते हुए वापस गांधी मैदान में शपथ के साथ पूर्ण हुआ। समिति के संयोजक आनंद ने नेताजी चौक पर अंबेडकर चौक पर नुक्कड़ सभा में कहा कि निजी हाथों में ओबरा इंटर कॉलेज को सौंपने से गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। संघ सरकार ने पहले ही सोनभद्र को पिछले जिले में रखकर विकास में तेजी लाने की कोशिश रही है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ओबर इंटर कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश में लगा है। वहीं कम फीस में पढ़ाई हो जा रही है, पर जैसे ही निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा फीस में बेतहाशा वृद्धि होगी। विद्यार्थी निजी हाथों में सौंपने का प्रबल विरोध करेंगे। सोनभद्र से JP सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। ये जो आप लोग पैदल ग्रस्त निकाले हैं, क्या मामला है? ये मामला है ओबरा इंटर कॉलेज को प्राइवेट करने का, जो कि परियोजना के अधीन संचालित हो रही है। और अगर परियोजना के अधीन जो विद्यालय संचालित हो रही है, क्योंकि जब भी कोई भी प्लांट या फिर कोई भी संस्था बैठती है तो उसके लिए हमें शिक्षा स्वास्थ्य की वायदे करती हैं और वो दिए भी हैं, लेकिन अब वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं। इसलिए अगर वो प्राइवेट कर देते हैं संस्था को, DAV ले लेती है, तो इससे कई गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित तो हो ही जाएंगे। और इस पूरे हमारी बात है कि 40-40 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय नहीं है। इसकी मांग हम कर रहे हैं कि GIC विद्यालय हो, चाहे वो गवर्नमेंट पूरा करे चाहे वो परियोजना। और ये मांग जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। जब ये निजीकरण का मामला जब आप लोग के सामने आया, जब आप लोग ने जाना, तो आप लोग विद्युत के किसी कर्मचारी से बात की? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ सब लोग से बताया जा रहा था ये कुछ नहीं हो रहा है, ओबरा इंटर कॉलेज प्राइवेट नहीं किया जा रहा है। सब यही बोलते रहे थे कि ओबरा इंटर कॉलेज प्राइवेट नहीं हो रहा है, पर ये झूठी खबर थी। हम लोगों को पता था कि ये खबर सच्ची है। सब कोई बोलता था ये हम लोग के साथ कि तुम लोग कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, कोई आंदोलन मत करो, ये ओबरा इंटर कॉलेज प्राइवेट नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। ये आपसे कौन कह रहा था कि प्राइवेट नहीं होगा? ओबरा इंटर कॉलेज जो प्राइवेट हो रहा है उसके लिए लिखित में पत्र आ चुका है और 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल से पहली सत्र चलाई जाएगी। और जिसके वजह से हमने 25 मार्च को पैदल मार्च निकाला है और उसके बाद 1 अप्रैल को भी विद्यालय में पहुंचेंगे और पूरा जोर लगा देंगे अपना कि अगर वो वहीं पे अगर वो एडमिशन रोकते हैं बच्चों का और उसके बाद जो है पहली सत्र में एडमिशन नहीं देते हैं, तो हम वहीं पर अपना जो है धरना देंगे। इसके पूर्व में भी आप लोग धरना किए थे, तो क्या हुआ उसमें? वो उसका भी असर हुआ सर। पिछली बार जो है एडमिशन रोक दिया गया था और टीचर्स की कमी थी, तो हम लोगों ने धरना दिया था। उसकी वजह से जो है टीचरों की नियुक्ति हुई संविदा पर और उसके बाद एडमिशन रुक गया था, एडमिशन ओपन हो गया और हमारा जो ब्लॉक चला गया था DAV ब्लॉक 8 वो भी हमें वापस कर दिया गया। तो हम अपना जो धरना देते रहेंगे जब तक कि हमारी लड़ाई अब GIC को मांगती हो। अगर आप लोग की मांग नहीं पूरा हुई तो क्या करेंगे? तो फिर हम वाजिब कदम उठाएंगे, उसके लिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारी मांग को अभी तो हम विनम्रतापूर्वक अपनी बात को तब तक रखते रहेंगे जब तक सरकार हमारे साथ विनम्र है, और अगर वो जैसा व्यवहार करते फिर हमें भी अपना व्यवहार जो है समय परिस्थिति का।